हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिंस। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को ब्रूटाफ्लैम 90 mg टैबलेट के बारे में बताऊंगा। इसे किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है, इसे कैसे लेना होता है, किन लोगों को ये दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या ये रेगुलर दवा लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रूटाफ्लैम 90 mg टैबलेट एक एलोपैथिक दवा है। यह एक स्ट्रिप के पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 131 रुपये, यानी 131 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है मैनकाइंड फार्मा और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है इटोरीकॉक्सिब 90 mg। और ये जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। अगर ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को किन किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है, जो कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के घुटनों में काफ़ी समय से दर्द होता है, काफ़ी इलाज वो करा रहे हैं लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, उन लोगों को ये रिकमेंड किया जाता है। या फिर जिन लोगों को साइटिका का दर्द होता है, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। साइटिका का दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और उससे चला फिरा नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है, तो साइटिका के दर्द को ठीक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी को पसलियों में दर्द हो उसमें इसे दिया जाता है, या फिर किसी को कमर में या फिर कंधों में दर्द हो तब इसे दिया जाता है, या फिर किसी को एक्सीडेंट के दौरान हड्डी में चोट आ गई हो, दर्द होता हो उसमें बहुत ज़्यादा, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार गर्दन अकड़ जाती है जिसकी वजह से गर्दन घूमती नहीं है, उसमें भी इसे रिकमेंड किया जाता है। और आप किसी भी प्रकार के दर्द में इसे यूज कर सकते हैं, नॉर्मली दर्द में यूज़ ना करें, जैसे कि सिर दर्द या हल्का फुल्का बदन में दर्द है, इसके लिए इसे इस्तेमाल ना करें, इसके लिए आप फिनेक प्लस टैबलेट यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेना कैसे होता है। तो देखिए, इस दवा को डॉक्टर कई तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए किसी को कभी कभी दर्द होता है, तो उन लोगों को ये एक टैबलेट जब दर्द हो तब लेने की सलाह दी जाती है। और जिन लोगों को साइटिका का दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर घुटने में दर्द होता है और वो पूरे दिन रहता है, तो ऐसी कंडीशन में कई बार डॉक्टर इसे 10 से 15 दिन तक सुबह शाम लेने की सलाह भी देते हैं। इसकी एक टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना होता है, इस तरीके से इसे यूज़ करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो महिला गर्भवती है वो इसका सेवन ना करें, और जिन लोगों ने अल्कोहल का सेवन कर रखा है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। बच्चों की पहुँच से इस दवा को दूर रखें। चलिए अब जानते हैं कि इस दवा को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दवा लेने के बाद अगर घबराहट होने लगे, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको पतले दस्त होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपके शरीर पे चकते होने लगे, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो इसे फ़ौरन रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।